अच्छा 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 देखो देखो हमला और हो गया हमारे ऊपर। हमने क्या बोला तेरे को भाई, इतनी मिट्टी डाल दी गई है जो बिल्कुल भी नहीं थी पहले, और यहीं तक नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम, और काफ़ी दिनों बाद एक मरतबा फिर दोपहर बखैर। काफ़ी मसरूफियत है, टाइम ज़रा नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा चलें नज़दीक तरीन जगह पे थोड़ी सी अपडेट आपको दे दें। मलीर एक्सप्रेसवे की काठोर साइड की, और थोड़े दिन बाद इंशाल्लाह इसी तरफ से दोबारा निकलेंगे और एक कंप्लीट वीडियो डालूँगा इस तरफ से जैसे मैंने पहले डाली थी, मुकम्मल वीडियो। आज ज़रा काठोर का ज़रा अपडेट ले लें, देख लें यहाँ पे कितना काम हुआ है। तो ये मैं आ गया हूँ जी काठोर इंटरचेंज से, सीधा आ गया हूँ जो रोड जाती है, लिंक रोड जो जाती है आगे सीधी सीधी पोर्ट कासिम से मिलाती है। तो ये वो स्ताहर ब्रिज है, स्ताहर ब्रिज है, लेकिन यहाँ तक अभी तक कितना काम मलीर एक्सप्रेसवे पे हो चुका है। तो जी ये डमलोटी रोड कहलाती है, इस तरफ इसके साथ साथ आप चले जाएंगे तो वो मलीर 15 और पता नहीं कहाँ कहाँ निकल सकते हैं आप। मेरी अगर मलीर एक्सप्रेसवे की आप पिछली वीडियो देखें तो उसमें यहीं से हम गए थे पूरा रास्ता कवर करते हुए। यहाँ से एक शॉट लेते हैं, जाके ड्रोन शॉट दिखाते हैं जी आपको इस तरफ से। लगता है यहाँ से भी काम गाड़ियाँ जाने लग गई हैं शायद, क्योंकि रास्ता बन गया, यहाँ से भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही हैं। कुछ रास्ता इन्होंने क्लियर किया, पहले ये इतना क्लियर नहीं था, थोड़ा सा आगे और जाते हैं। रोड पे भी जा सकता था मैं, लेकिन मैं ज़रा नज़दीक होना चाह रहा हूँ। यहाँ तक जनाब रोड पहुँच गई है, काफ़ी स्पीड से काम खींच रहे हैं मेरे ख्याल में। ये काफ़ी पीछे थी पहले, यहाँ तक आपको ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो यहीं से ड्रोन उड़ा के इसको देखते हैं, फिर आगे भी चलते हैं। और ये ब्रिज है, और सामने अगर सीधा सीधा निकल जाएगा ये सिलसिला मलीर एक्सप्रेसवे का, और यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूर DHS सिटी, तो उसको कनेक्ट करेगा। और इस तरफ अगर चले जाएंगे तो यहाँ पे काठोर इंटरचेंज मौजूद है। और ज़रा सा इधर घुमा दूँ तो ये यहाँ से धुआँ सा उठ रहा है, तो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी शायद, इस तरफ एरिया टाउन कराची। जनाब यहाँ से हमने कुछ ड्रोन शॉट लिए हैं, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी तो स्टक कर गया था थोड़ा ड्रोन, एक जगह जाके अटक गया था, तो मैं थोड़ा सा मूव हुआ और फिर मैं इसको वापस बुला लिया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं बाय रोड, और वहाँ से आपको दिखाते हैं नज़दीक जाके ना। अच्छा 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 देखो देखो हमला और हो गया हमारे ऊपर। हमने क्या बोला तेरे को भाई, होता है भाई ऐसा कभी कभार, डॉगी थी बेचारी, हाँ बच्चे बच्चे होंगे। तो जी यहाँ पहुँचे हम, वो ब्रिज से हम इस रोड से होते हुए, डमलोटी रोड से होते हुए
इस तरफ आ गए काफ़ी दूर, और ये मैं देख रहा हूँ कि इतनी मिट्टी डाल दी गई है जो बिल्कुल भी नहीं थी पहले, और यहीं तक नहीं है ये, ज़्यादा आगे जा नहीं सकता क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो जाने का रास्ता हमें मिलने का, लेकिन आपको ड्रोन से ज़बरदस्त किस्म का व्यू दे सकता हूँ। मैं यहाँ से आगे टीले पे चला जाता हूँ और यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये देखिए नीचे गहरी खाई नुमा जगह है, तो मैं इधर नहीं जा सकता। वो पीछे काफ़ी दूर तक अगर मैं इस पे खड़ा हो जाऊँ शायद कुछ नज़र आ ही जाए, छोटी सी पहाड़ी, ये सारा काम हो रहा है, वो पीछे दूर दूर तक मिट्टी डाल दी गई। तो जनाब पहले से तो अच्छा खासा ज़्यादा काम हो रहा है, ज़बरदस्त, और आगे तक पहुँचा दिया गया इसको, ब्रिज के कोने तक तकरीबन पहुँचने वाला है। ये गंदम लगी हुई, गंदम देखनी है, गंदम देखते हैं, ये गंदम है, ये देखें गंदम के खोशे, ये गंदम, और ये वो सारा, फिर ऊपर चढ़ जाता हूँ, ज़रा क्लोजअप ले लिया मैंने, अब हो गई वीडियो। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा एक ड्रोन व्यू दे दिया मैंने, जहाँ से रोड बन रही है वहाँ आगे एक
डैम है छोटा सा बंद बांधा हुआ जो मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया, तो तकरीबन मैं वहीं तक ले गया था इसको। काफ़ी रिस्की काम है, हवा चल रही है, लेकिन ये बहुत लंबा यानी कि इतनी ज़्यादा मिट्टी डाल दी गई पहले, ये आधा भी काम नहीं हुआ था। चलिए इन्जॉय कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको यहीं से लेके चलूँगा एक आध हफ्ते के बाद। दोबारा कुछ अपडेट साथ साथ लेते जाएंगे रोड के साथ साथ, जितना हो चुका है वो भी दिखा देंगे, और कायदाबाद पे और फिर दो तीन सेक्शन जो हमारे और हैं एंड तक लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।